राजस्थान का भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। देखिए भौतिक स्वरूप का मतलब ये है कि राजस्थान में कितने भौतिक भाग है, फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान, कि कहाँ राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है, कहाँ राजस्थान के अंदर पर्वतीय प्रदेश है, और कहाँ राजस्थान में मैदानी भाग, और कहाँ राजस्थान में पठारी भाग है। विभाजन किया गया जैसे जैसे यहाँ पर भूगोल के शास्त्री आए, मतलब भूगोलवेत्ता यहाँ पर आए, उन्होंने अलग 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 यहाँ पर रन पेश किया। किसी ने कहा जी 3 भाग है, किसी ने कहा 7 भाग है, किसी ने कहा 6 भाग है, किसी ने कहा 4 भाग है। अपने लिए समस्या तैयार कर दी, किसी के कई नहीं है, कोई का 3, कोई का 4, कोई का 5। चलो देखते हैं कि अपने सिर्फ 2 विभाजन देखेंगे। सबसे पहले वाल्मीकि ने विभाजन बताया था, उन्होंने क्या बताया, एक तो है मरु, एक है मेरु, और एक है मार। बस इन तीनों में सारा कमाल, कुछ नहीं कहेंगे। कैसे? मरु मतलब जहां जहां मरुस्थलीय प्रदेश उसे क्या कहेंगे, मरु। मेरु का मतलब जहां जहां अलग पर्वतीय प्रदेश, जो आपकी अरावली है वो आपका मरु मेरु प्रदेश हुआ। माल मतलब जहां पर पठारी भाग है उसे क्या कहेंगे, माल कहेंगे। ये बात किसने कही थी, वाल्मीकि ने कही थी। किसने, कौन से वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। कहते हैं कोई टाइम में कोई डाकू हुआ करते थे, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ, सब कुछ त्याग दिया और एक डाकू से पता नहीं क्या क्या बन गए, बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। और महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का यूज किया था, मरुकांतार शब्द का यूज किया था। देखिए अब राजस्थान में अलग अलग विभाजन, अलग अलग सभी के अवशेष बताए जाते हैं। अब आप उसी तरह से बता दूं मैं, राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में एक श्रृंखला, उस श्रृंखला का नाम है अरावली श्रृंखला। पर्वतीय प्रदेश है, मतलब पर्वत सीरीज है जिसका नाम है अरावली। देखो अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों की कतार या पथरीले भाग की कतार। ये अरा शब्द से बना है, अरा प्लस अवली, अरावली पर्वत सीरीज ही आती है, इसको क्या बोलेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला, या इसको अरावली पर्वत सीरीज भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। राजस्थान के हैं मध्यवर्ती भाग में, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती अरावली श्रृंखला। एक विशेष बात, इस अरावली श्रृंखला को कहा जाता है 50 सेंटीमीटर। कैसे? अब जो राजस्थान का मैं भौतिक विभाजन कर रहा हूँ उसमें जो मुख्य आधारी आपका क्षेत्र विशेष का ये है, मतलब एक तो वर्षा की मात्रा है यहाँ पर, एक धरातल का आकार किस तरह की यहाँ स्थिति है, यानी क्लाइमेट किस तरह की है, उन पे धरती विभाजन है। कि आप इस अरावली से इस उत्तरी पश्चिमी भाग में जाओगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी। यदि आप इस अरावली से इस तरफ जाओगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, अधिकता होगी। मतलब कि अरावली से आप इधर जा रहे हो वर्षा की मात्रा में लघुता कमी, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, इधर जाओगे तो सर्वाधिक वर्षा, तो जालौर में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल स्पष्टीकरण हुआ ना। अब अपने को ये देखना है, इस अरावली के कंप्लीट ऊपर वाले भाग में यहाँ पर है मरुस्थल, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल, यहाँ पर है मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब मृत स्थल होता है, और इस मरुस्थल को कहा जाता है थार का मरुस्थल, इसका नाम है थार का मरुस्थल। विश्व के 10 महान मरुस्थलों में इसका नाम आता है। विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अरे ये थार का मरुस्थल जो 2 देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत में और एक पाकिस्तान में। भारत में इसे कहा जाता है रेगिस्तान, जबकि पाकिस्तान में से कहा जाता है पाकिस्तान। अलग अलग नाम है, भारत में क्या कहेंगे रेगिस्तान, और पाकिस्तान में क्या कहेंगे बलूचिस्तान। अब स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट ध्यान रखना, भी कुछ 2-3 नए नए नाम से सुन लो, वो जरूरी है भी आपके सामने। एक नाम आता है एक मरुस्थल है, किसी को पता में से, अफ्रीका के मरुस्थल जिसका नाम है सहारा का मरुस्थल, पूर्वी भाग माना जाता है। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक का पूर्वी भाग है, और भारत के आज एशिया के 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में।
लेकिन भारत के चार राज्यों में मिला हुआ है। सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान में, जबकि न्यूनतम विस्तार इसका पंजाब राज्य में है। चार राज्य कौन कौन से? राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है और इधर आपका गुजरात का भाग है। इन चार राज्यों में फैला हुआ है। अब राजस्थान में देखें इसकी सिचुएशन क्या है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,43,239 वर्ग किलोमीटर। इसका आपने देखें 61.11% भाग में क्या फैला हुआ है? टोटल राजस्थान के 61.11% भाग फैला हुआ है मरुस्थल, मतलब 175,000 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? मरुस्थलीय प्रदेश आपका फैला हुआ है। कितने पे? 175,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अब देखें क्या कुछ विशेषता रहती है। इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 50 सेंटीमीटर से वर्षा होती है कम, और पूरे राजस्थान की इस मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 40%। और यह मरुस्थल कैथी सागर का अवशेष माना जाता है। किस सागर का? कैथी सागर का अवशेष। एक काल था फिर प्रश्न द्वारा सगिन पे नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या आजकल लेवल कुछ कह नहीं सकते। जैसे कार्बोनिफेरस काल, इस कार्बोनिफेरस काल के अंदर यहाँ पर कैथी सागर हुआ करता था। इस काल में कार्बोनिफेरस काल, एक बार बोलो कई तो बोलते ही है कि हर्ड होगा, कुछ हर्ड नहीं होता, दो बार बोलिए कोई हर्ड नहीं है। कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर क्या था? कैथी सागर था। यहाँ पर धीरे धीरे वातावरण चेंज हुआ, भूगर्भीय स्थिति चेंज हुई। इसके बाद में क्या होता रहा? काल कही है, जुरासिक काल भी आया था, टर्शियन काल आया था, यूरोशियन काल आया था, लेकिन इसके बाद में एक काल आया, उस काल का नाम था प्लिस्टोसीन काल। कौन सा काल? प्लिस्टोसीन काल। अब प्लिस्टोसीन काल में यहाँ पर मरुस्थल का उद्भव हुआ। किसका उद्भव हुआ? मरुस्थल का उद्भव हुआ। लेकिन अपने ये बात देखें कि यहाँ पर मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ था। अब थोड़ी सी बात को बोल करना, टाइम मिलता है कि यदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ था 4000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अब कई सोच रहे उल्टा कैसे बता दिया, क्योंकि इंडियन जो इतिहास है ना सारा उल्टा ही है। कैसे? अभी आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ मैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये जीरो, जीरो से आगे बढ़ेंगे अपने, बड़े आगे बढ़ने के बाद आज वर्तमान में क्या है? 2017। 1, 2, 3 करते करते पहुंच गए 2017 में। यदि अपने जीरो से बैक जाएगा ना तो आपको एक से चलना पड़ेगा। 1, 2, 3 करते करते आ गया 1000, फिर आ गया 2000, फिर 3000 आया, अरे फिर आपका 4000 आया। अरे व्यक्ति मतलब कि प्रारंभिक काल देखे तो इधर से शुरू होगा वो। अब प्रारंभिक काल से चला तो पहले कौन सा आएगा? 4000, और बाद में आएगा 1000 आपका। तो इस तरीके से बताया गया कि 4000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये मरुस्थल अपने प्रादुर्भाव में आया था, मतलब यहाँ पर मानव जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। कई तो बड़े सीरियस हो रहे हैं, क्या नई नहीं बातें हैं ना, दिमाग पे लोड दे रही है, दिमाग पे लोड देना पड़ेगा। क्योंकि वो प्रश्न आजकल नहीं पूछते कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, कितने जिले आते हैं। कुछ आजकल क्या है कि छोटी क्लास में ये बात की होती है, सभी को पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं। हर बार में जिला कौन सा है जो किसी विभाग ने घोषित किया था मरुस्थलीय जिला है, और वो आपका अनुमानगढ़ है। ये टोटल इसके 12 जिले, हर कृषि विभाग ने 12वां जिला मरुस्थलीय किसको घोषित किया है? कौन से? अनुमानगढ़ को। आपने अनुमानगढ़ को ये पता है, कहीं तो अनुमानगढ़ का नाम है भाई, कहीं जिले जाता है वही नहीं लगे तो बोले अनुमानगढ़ नाम बताओ भी, है ना। क्या बैठने की जगह क्या है यहाँ, विशेष कोई नाम है अनुमानगढ़ का, बाकी नाम आता ही नहीं है। चलो आगे बढ़े, बता दिया पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हुआ, जनसंख्या कितनी हुई 40% हुई ना। तो ये सारा का सारा मरुस्थलीय प्रदेश, लेकिन अब इसका विभाजन है ना वो कंफ्यूज करेगा। यहाँ मुख्य रूप से दो ही नदियां हैं, एक नदी जिसका नाम है जो किस प्रवाह क्रम की है, अरब सागरीय प्रवाह क्रम की। एक नदी जिसका नाम है घग्गर नदी, उसके तो बेड़े पार ये बता। आपको प्राचीन समय में हुआ करती थी कोई महानदी, लेकिन आजकल वो मांतरिक प्रवाह क्रम की। लोग बताते हैं कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है और बहावलपुर तक जाती है नदी, ये बताते हैं, लेकिन वो जाती थी। अब जिसका पानी हिमानगढ़ तक की आधे तो बहुत बड़ी मानता है, बहुत बड़ी मानता है पानी, आधे तो आधे तो रात को पानी लगा लेते हैं, ये सिस्टम रहता है इसका। सुनो
अब दोबारा समझा दे आपको, अब बीच में कौन सी श्रृंखला होगी? अरावली। ये समझो कि आपका मरुस्थलीय प्रदेश, यह है मरुस्थलीय प्रदेश, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटने का कार्य करती है रेखा जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली को क्या कहा था? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसको क्या कहा? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका मतलब ये है कि इस रेखा से भागे ऊपर ऊपर जाएगा ना, तो इस भाग में 25 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होगी? कम होगी। यदि अपने इधर जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन 50 से क्या होगी? कम होगी। वर्षा की मात्रा के आधार पर, किस आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। इस रेखा से ऊपर वाले भाग में वर्षा कम होती है, इसलिए इस प्रदेश को कहा जाता है शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश कहा जाता है। लेकिन अरावली से ऊपर वाला भाग, शुष्क प्रदेश से नीचे वाला भाग, इसको क्या कहेंगे अपने? इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहेंगे, या इसे राजस्थान का बांगर प्रदेश कहेंगे, बांगर प्रदेश कहेंगे, या इसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहेंगे। लेकिन इसको क्या कहेंगे? शुष्क प्रदेश। अब इसमें क्या है? इसमें है टोटल 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। टोटल मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले हैं? 12। 12 में से 4 के कितने बचे? 8। तो अर्ध शुष्क में कितने आते हैं? 8। 8 के क्या होते हैं? 8। क्योंकि अपने किस प्रदेश में आते हैं? 8। अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं। हनुमानगढ़ किस जिले में है? अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश में आता है हनुमानगढ़ जिला, घग्गर के मैदान के अंतर्गत। चलो अब देखें, ये जो 4 जिले है ना, ये 4 जिले ऐसे है की ऐसा मरुस्थल पूरे भारत में कहीं और नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? भारतीय महान मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अत्यधिक मरुस्थलीय प्रदेश बड़ा होने के कारण इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या हिंदी में कहा जाता है भारतीय महान मरुस्थल भी कहा जाता है। समझा की बात यहाँ तक? जी सर। कुछ मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा विभाजन इसको और देख लें। ये जो आपका शुष्क प्रदेश, एक कौन सा हुआ? शुष्क प्रदेश हुआ। अब ये देखना है कि जो भारतीय महान मरुस्थल है, ये राजस्थान के लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 1,00,000 में। ये जो आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, ये फैला हुआ है कितने में? 75,000। टोटल मरुस्थलीय प्रदेश में कितने शुष्क में? 1,75,000 में। 75,000 में कौन सा हुआ? शुष्क प्रदेश हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो बता देना, समाधान हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। रेडी है? जवाब ऐसे देते रहना। चलो इसके बाद देखते हैं कि ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 4 जिले आते हैं। जैसलमेर जिला पूरा आता है, बाड़मेर भी इसमें आता है, और बाड़मेर के अलावा इसमें कौन सा आएगा? जोधपुर आता है, और इसके अंतर्गत बीकानेर और कुछ भाग इसमें श्री गंगानगर जिले का भी आता है। ठीक है, अनूपगढ़ के आसपास का भाग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भारतीय महान मरुस्थल को किस प्रकार से भारतीय महान मरुस्थल। ये बात सबसे गौर करने वाली बात है। अब बांगर प्रदेश को सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं, घग्गर का मैदान सारे बता दोगे आप। इस बात पे सर्वाधिक गौर करनी है, फोकस देना सामने। कौन सा प्रदेश होगा? भारतीय महान मरुस्थल, ये इसे क्या कहा जाता है? इसे शुष्क प्रदेश, या इसे GID कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी। इसको बांटा जाता है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अब बड़ा बड़ा महान मरुस्थल है, हमारे कि इस भाग में बड़ा बड़ा महान मरुस्थल है, तो बड़े बड़े क्या होंगे? बालू के स्तूप होंगे। स्तूप मतलब बड़े बड़े यहाँ पर टिब्बे। कुछ भाग में तो बड़े बड़े टिब्बे है, जिन्हें कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जहां पर बड़े बड़े टिब्बे, उन्हें क्या कहेंगे? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। लेकिन कुछ भाग के अंदर बालू का स्तूप नहीं है, उसे क्या कहेंगे? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहेंगे। लिख देते हैं अपने, एक कौन सा हुआ? बालू का स्तूप, एक तो हुआ मुक्त प्रदेश, पहले कर ले मुक्त। दूसरा कौन सा हुआ? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखिए, रामसर से लेकर पोखरण तक का भाग है जैसलमेर के आसपास का भाग, इस भाग में कितने चट्टानों वाला भाग है? राजस्थान में सर्वाधिक पीला मार्बल कहां से निकलता है? पीला, वहां से पीला ग्रेनाइट निकलता है, पीला लाल से।